मैं सत्यप्रकाश रेसु आज आपके लिए एक नई वीडियो बचत है जीवन का सार विषय पे लेके आया हूं। मुझे बचपन से परिवार के सदस्यों ने, रिश्तेदारों ने, समाज के करणधारों ने और संत समाज ने ये सिखाया कि यदि हम जीवन में बचत करना जानते हैं तो हम प्रगति के रास्ते पे चल पड़ते हैं। बचत चाहे कोई सी भी हो, बचत समय की बचत, बचत ज्ञान की बचत, बचत ध्यान की बचत, बचत परिश्रम की बचत, बचत बिना वजह के लड़ने की बचत, बचत बड़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग इस दुनिया के अंदर महान कहलाए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी के रूप में हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस के रूप में हो, चाहे वो ईसा मसीह के रूप में हो, चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, चाहे वे नरेंद्र मोदी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वे बड़े शक्तिशाली और महान इसलिए बच जाते हैं कि वे बिना वजह की बातों से बच के वजह में अपना समय लगाते हैं, अर्थात फिजूल की बातों में ना वो समय लगाते, ना पैसा लगाते, ना ताकत लगाते, ना अपनी लेखनी लगाते, ना अपने मस्तिष्क का कोई भी शक्तिशाली पुर्जा उन सब चीजों में नहीं लगाते जिसका मतलब समाज के लिए ना हो, देश के लिए ना हो, धर्म के लिए ना हो, भारतीय राजनीति के नए कीर्तिमानों के लिए ना हो। कहा जाता है कि दुनिया के ज्यादातर लोग वजह से ज्यादा अपना समय बिना वजह की लगा देते हैं, अर्थात 2 से 3% 5% अधिकतम समय वे काम में लगाते हैं, 99% समय फिजूल की बातों में लगा देते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग अपना समय शिक्षा में लगाते हों, जो लोग अपने को स्वस्थ रखने में योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, समाज के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, भारतीय राजनीति के माध्यम से अच्छे कामों में लगाते हो, वे लोग महान कहलाते हैं। जो लोग युवा शक्ति के कल्याण में, जो लोग महिला शक्ति के कल्याण में, जो लोग पर्यावरण के कल्याण में अपना समय लगा देते हैं, वे महान कहलाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इस देश को आजाद करने में अपनी कुर्बानी दी, अपना समय लगाया, अपना धन लगाया, अपना शरीर लगाया, वे लोग महान कहलाए, चाहे वे भगत सिंह के रूप में पूजनीय हो और चाहे वे चंद्रशेखर आजाद के रूप में पूजनीय हो और चाहे वे लाला लाजपत राय के रूप में पूजनीय हो, सदैव पूजनीय ही रहेंगे। मेरे संक्षिप्त से इस उद्बोधन में ये कहना है, इस देश की युवा पीढ़ी को हम वे सब बचत के मार्ग बता दें जिनसे युवा पीढ़ी और ज्यादा ताकतवर बन सके, शक्तिशाली बन सके, कृष्ण का रूप धारण कर सके, राम का रूप धारण कर सके, सुभाष चंद्र बोस का रूप धारण कर सके, महात्मा गांधी का रूप धारण कर सके और इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। जो भी काम हो उसके पीछे कोई ना कोई मतलब होना चाहिए, कोई ना कोई सार्वजनिक हित होना चाहिए, कोई ना कोई कल्याणकारी सोच होनी चाहिए जिससे हम इस देश को आगे बढ़ा सके, स्वयं आगे बढ़ सके और एक अस्तित्व इस देश के लिए खड़ा करके
तिरंगे को नमन करते हुए शहीदों को सल्यूट कर सके। जय हिंद, जय भारत। जो जीवन में चहुंमुखी विकास चाहते हैं, वे सब इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना सहयोग सदैव बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।